12 को 1 बनाना है, कैसे बनाना है, हमको माइनस करके बनाना है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट साइन जो है वो क्या है आपका, माइनस है। यस और नो, क्लियर है? तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, हाँ या ना? तो मेरा एक्स का दो रूट मिल गया, एक हो गया +4 और दूसरा हो गया क्या, -3। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नेक्स्ट, अब इस वाला इक्वेशन को देखते हैं, दोनों में क्या है, प्लस प्लस है, दोनों में जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, इसमें इक्वेशन साइन क्या हो जाएगा रूट का, दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ओके अभी एक चीज देखो, 6 को हमको 5 बनाना है, कैसे बनाना है हमको, प्रोडक्ट साइन को देखो ध्यान से, प्लस करके, तो प्लस करके 5 कैसे हम लोग बना सकते, क्योंकि 6 हम लोग 3 और 2 और ये एक होगा 6 और 1, यही तो दो उसका फैक्टर है, चार फैक्टर है, तो 3 2 को प्लस करके हम लोग 5 बना सकते, कभी भी 6 + 1 करके हम लोग 5 नहीं बना पाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर क्या, ये दोनों रूट क्या हो जाएगा, एक होगा -3, दूसरा क्या होगा, -2। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने बोला था पहले वाला क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, दूसरा वाला क्या होगा, छोटा नंबर होगा। क्लियर है? अभी हम लोग कंपेयर करते हैं, +4 के साथ -3 को कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली एक्स बड़ा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? +4 के साथ -2 का जब कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली +4 फिर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? नाउ -3 के साथ -3 का कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब -3 के साथ -2 का जब कंपेयर करेंगे, ये तब एक्स क्या हो जाएगा मेरा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है, ठीक है? ठीक उल्टा हो जाता है पॉजिटिव से, ठीक है? तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा RCND, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो थम्स अप या फिर कॉमेंट करके बता दो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सभी को बता दो जल्दी जल्दी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। देखो 14 में क्या बोला गया है, x²-8x+15=0 है, ठीक है, और y²-3y+2=0 है। सेम तरीके से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, देखो इसमें दोनों क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा, दोनों में भी प्लस प्लस आएगा, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? दोनों में जब प्लस प्लस आ गया, 15 को आपको 8 बनाना है, कैसे बनाना है, ऐड करके बनाना है, तो उसका दो फैक्टर क्या क्या है, 5 और 3 है दोनों फैक्टर, और दोनों फैक्टर को जोड़ के हम लोग 8 बना सकते हैं, तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 3। समझ में आ गया? क्लियर है? हम मैंने बोला था पहला रूट ऑलवेज बड़ा होगा, दूसरा रूट क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, ठीक है? नाउ सेम तरीके से 2 को हमको 3 बनाना है, कैसे, 2 और 1 से बनेगा 3, तो पहला वाला होगा 2, दूसरा वाला होगा 1। क्लियर है सभी को? यस और नो? 5 के साथ 2 को कंपेयर करेंगे, जब 5 के साथ 2 को कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर हो जाएगा, जब 3 के साथ 2 को कंपेयर करेंगे तब भी मेरा एक्स ग्रेटर होगा, जब 1 के साथ 5 कंपेयर करेंगे तब भी एक्स मेरा ग्रेटर होगा, जब 1 के साथ 3 को कंपेयर करेंगे तब भी मेरा एक्स ग्रेटर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात ये है, इसमें x² और y² का कोई कोफिशियंट भी नहीं दिया है, तो क्वेश्चन और जल्दी बनना चाहिए, ठीक है, इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। क्लियर है? अब लोग को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, q+ - q - + होता है, उसके पीछे का रीजन मैंने बोला था, उसमें प्रोडक्ट साइन क्या होता है, सम साइन क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा में कब रियल होता है, कब नॉन रियल होता है, कब इमेजिनरी होता है, सारा चीज मैंने बोला था, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x²-32=112। अब देखो -32 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा, x² का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 114 होगा, 144 होगा, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो x² का वैल्यू, जब वैल्यू 144 है तो x का दो वैल्यू मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। मैंने बोला था क्यों होता है x का दो वैल्यू, क्योंकि -12 का भी स्क्वायर आपका +144 होता है और +12 का स्क्वायर भी हम लोगों का 144 होता है, ठीक है? तो जब हम लोग का इवन पावर रहता है तो हम लोग दोनों टाइप का रूट लेते हैं, एक नेगेटिव रूट भी लेते हैं एज वेल एज हम लोग पॉजिटिव रूट भी लेते हैं। लेकिन अब इसमें देखो, जब रूट है, रूट मतलब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √169 हो जाएगा वाई इक्वल टू। क्लियर है? अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें -13 क्यों नहीं होगा, भाई -13 क्यों होगा, पहली बात जो है हम लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं, x²=144 है, जो यही हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ी भूल स्कूल से हम लोग करके आते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाता है हम लोग का √144। नहीं भाई, ये कभी नहीं होता है, स्क्वायर का उल्टा कभी रूट नहीं होता, हम लोग सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर का उल्टा कभी भी रूट नहीं होता, ये कंसेप्ट गलत है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x²=144 है, इसको हम लोग लिखते हैं +-12 उसके ऊपर में स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कॉमन है तो दैट्स व्हाई ये x=+-12 होता है, ये होता है रूल, ठीक है? और हमको पता है कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता है, तो नेगेटिव साइन जब रूट के अंदर कभी नहीं आएगा तो -13 कैसे पॉसिबल है,
क्योंकि रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाता है तब वो इमेजिनरी बन जाता है और इमेजिनरी नंबर के साथ कभी भी रियल नंबर का कंपैरिजन हो नहीं पाता है। तो मेरा वाई का वैल्यू कितना हो गया, मेरा 13 हो जाएगा, 13 हो गया, और एक्स का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 12 होगा और माइनस 12 होगा। क्लियर है सभी को? अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। प्लस 12 के साथ प्लस 13 का कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली वाई बड़ा हो जाएगा, और माइनस 12 के साथ 13 का कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली वाई बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन वाई है। क्लियर है सभी को? बोलो इसको लेके कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है बोलो इसको लेके, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, एक थम्स अप दे दो क्लियर है कि नहीं। हाँ सब आंसर दे रहा है सब लोग, चलो बढ़िया है, सब लोग आंसर दे रहा है, ये बढ़िया चीज है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देते जाओ कंटिन्यूअसली, हम भी सॉल्व करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करो मेरे साथ एक साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, अपने आंसर के साथ मेरा आंसर क्या करो मैच कर लो। ठीक है, जब कोई भी जगह पे समझ में नहीं आएगा तुरंत मेरे को कमेंट करके बताओ, तो समझ में आ जाएगा एक थम्स अप दे दो या फिर कमेंट करके बता दो क्लियर है। चलो ठीक है, चलो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल x माइनस रूट ऑफ 121 इक्वल टू 0 है, और x y स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू रूट ऑफ अंडर 121। हमको पता है रूट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर लेता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो x का वैल्यू हो गया मेरा प्लस 11। हम लोग y में आते हैं, अब इसमें गेम देखो, y स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका प्लस 1, इसका y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 121। अब देखो y स्क्वायर है तो हम लोग दोनों रूट ही लेंगे, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ प्लस और माइनस जब रूट लेंगे, ए, पहली बार प्लस 11 के साथ जब प्लस 11 का कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल आएगा, नेक्स्ट प्लस 11 के साथ जब माइनस 11 का कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, 11 प्लस 11 बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? x इज ग्रेटर और इक्वल टू y हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 4 हो गया। ओके डन, अब आते हैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन की तरफ, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0 है। अब इसमें देखो ध्यान से 20 को 9 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 4 और 5 से ही बनाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों फैक्टर से ही हम लोग ऐड करने के बाद 9 मिलता है। देखो 20 का मल्टीपल फैक्टर है, 20 का हम लोग 10 इंटू 2 बोल सकते हैं, 20 का हम लोग 20 इंटू 1 बोल सकते हैं, 20 का हम लोग 4 इंटू 5 बोल सकते हैं। तरीका बहुत सारा है, हमको देखना है ये दोनों फैक्टर को ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके मेरा वाई का कोएफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को बताए, हम लोग ऐड करके हम लोग 4 और 5 को ऐड करके मेरे को 9 मिलेगा, तो पहले वाला होगा 5, दूसरे वाला होगा 4। अभी कंपेयर करना शुरू करो, 5 से जब प्लस 4 को कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली वाई बड़ा हो जाएगा, प्लस से माइनस 4 को कंपेयर करेंगे तब भी वाई बड़ा ही होगा। जब प्लस 4 के साथ प्लस 4 का कंपेयर करेंगे तब दोनों इक्वल हो जाएगा, जब प्लस 4 के साथ माइनस 4 का कंपेयर करेंगे तब क्या हो जाएगा, वाई फिर से बड़ा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चीज को बहुत फास्ट करो, जब तक फास्ट नहीं करोगे ये चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी देखो x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कैसे निपटाएंगे, दोनों में माइनस आ जाएगा क्योंकि रूट क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा। डन, इसमें भी दोनों माइनस आ जाएगा। क्लियर है? 42 को 13 कैसे बनाएंगे हम लोग, 7 और 6 में। क्लियर? और इसमें कैसे 19 बनाएंगे, 10 और 9 में। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप चलो भाई कंपेयर करना शुरू करते हैं, माइनस 7 और माइनस 10 में कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली एक्स बड़ा हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 9 में कंपेयर करेंगे फिर से एक्स मेरा बड़ा हो गया, माइनस 6 माइनस 10 में कंपेयर करेंगे फिर से मेरा एक्स बड़ा हो गया, माइनस 6 माइनस 9 में कंपेयर करेंगे फिर से मेरा एक्स बड़ा हो गया। क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, नेगेटिव में उल्टा होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा मेरा आंसर, करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है, बोलो इसको लेके कोई डाउट है क्या? फास्ट बनाना है क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन है बहुत फास्ट बनाना है, ये दिमाग में रख लो। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, जितना भी मेरे पास क्वेश्चन है उसको बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, इसको हम लोग कैसे बनाना है, प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा। 7a is the 56, पहले वाला 8 होगा दूसरे वाला 7 होगा, पहले वाला 8 होगा दूसरे वाला 7 होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें आते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला 12 होगा दूसरे वाला 11 होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है इसको लेके बताओ। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, ऑब्वियसली इसका इवन हम लोगों को रूट निकालने का भी जरूरत नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था,
इसमें दोनों का दोनों रूट नेगेटिव रूट है, इसमें दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव रूट है। जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव रूट बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज एक्स इज लेसर देन वाई हो जाएगा। इसका कंपेयर करने का अलग से जरूरत नहीं है और रूट निकालने का भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जल्दी से रूट मत निकालो, पहले साइन निकाल लो। साइन निकालने से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, क्वेश्चन बिना सॉल्व करके भी हम लोग आंसर कर सकते हो। प्लस प्लस होने के टाइम में हम लोग का रूट का जो साइन आएगा, दोनों रूट का साइन आएगा माइनस। जब माइनस प्लस होता है तब दोनों रूट का होता है प्लस, दोनों ही प्लस होता है। अब ऑब्वियसली पता है प्लस जो होता है माइनस से बड़ा होता है, जो भी नंबर हो जाए ठीक है ऑलवेज प्लस बड़ा ही होगा। तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्लस वाला रूट जो इक्वेशन होल्ड कर रहा है वही इक्वेशन क्या होगा, बड़ा इक्वेशन होगा, मतलब वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता है। इसमें दोनों के दोनों रूट क्या है, नेगेटिव रूट है, इसमें हम लोग वो लॉजिक लगा नहीं सकते। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों रूट क्या है, नेगेटिव रूट होगा। अभी इसको फॉलो वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। 12 को 7 बनाना है, क्या है 4 और 3 से 7 बनेगा, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो। 8 को 6 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 4 2 8, तो ये 4 और 2 से 6 बनेगा। क्लियर है कि नहीं, अभी हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे माइनस 4 के साथ। जब माइनस 4 का कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 के साथ जब माइनस 2 का कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली कौन बड़ा हो जाएगा, अभी इसमें वाई बड़ा हो गया। अभी देखो माइनस 3 के साथ जब माइनस 4 का कंपेयर करेंगे इसमें फिर से अभी एक्स बड़ा हो गया। क्लियर है, अब देखो इतना होने के बाद हम लोग को पता चल गया आंसर कितना होगा। फिर भी लास्ट वाला भी देख लेते हैं, माइनस 3 के साथ जब माइनस 2 का कंपेयर करेंगे फिर से इसमें वाई बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये साइन के वजह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आर सी एन डी हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है सभी को, यस ऑन नो, जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, इसका सभी का आर सी एन डी आया था, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर नहीं है तो बोल देना मेरे को। ठीक है, अच्छा देखो अभी एक टाइप और बचा है, ठीक है वो टाइप भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो मिनी बोर्ड खोल लेते हैं एक बार, वो टाइप क्या क्या बचा है। देखो जब रूट वाला इक्वेशन देगा, जब रूट का इक्वेशन देगा उसका तब क्या होगा, रूट बोले तो जब से इसमें बी का जो कोफिशियंट है, बी का जो कोफिशियंट है उसमें रूट रहेगा, बी का कोफिशियंट में रूट रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। ठीक है, मैं दो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखूंगा, उसके बाद इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम सिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है चीज।
हेलो हारू को हेलो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी देखो कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर। आई गेस सभी के पास अभी वॉइस जा रहा है क्लियरली, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अरे एक्स वाइट, एक्स स्क्वायर प्लस एट रूट टू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन ये बोला गया है, देखो इसमें क्या है, ये कन्वेंशनल इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, इसमें देखो कोफिशियंट जो है रूट है, ठीक है, कोफिशियंट जो है रूट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड सीखेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ कुछ है, बहुत इजीली इसको सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो क्या है, हम लोग मिडिल टर्म जब करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 30 को हमको 8 बनाना है, 8√2 बनाना है। कैसे बना सकते हैं हम लोग इधर रूट टू है ना, देखो लॉजिक क्या है। पहले आपको मैंने हर एक सेशन में मैंने ये सिखाता हूँ आप लोगों को कि बेसिक का क्या है, बेसिक के बिना कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है, तो जब रूट टू है ना, हम लोग नंबर को ऐसे तोड़ते हैं, 15, जब रूट टू मिलेगा आपको 15√2√2 में तोड़ेंगे, ठीक है। ये होता है बेसिक लॉजिक, तभी जाके आपको रूट टू मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। 15 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग 3√2 और 5√2 बोल सकते, 3 और 5 बोल सकते 15 को, यस और नो, 3 × 5 बोल सकते। अभी इसमें दोनों में रूट टू है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे कि 5√2 प्लस 3√2, तभी नहीं आके क्या बनेगा, 30 बनेगा। हाँ या ना, मैंने मिडिल टर्म का लॉजिक क्या है, मिडिल टर्म का लॉजिक ये होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, ठीक है, उसको हमको ऐसा दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है, जो दो फैक्टर को हम लोग ऐड करके मेरे को अल्फा प्लस बीटा या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए। समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर हुआ। तो क्योंकि इसमें रूट टू है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √2√2 से हम लोग क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे, ठीक है, √2√2 से हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी जो बचा हुआ नंबर होगा उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमको पता है √2 × √2 करने पर मेरे को 2 मिलता है, ठीक है। सेम तरीके से मान लो इधर क्या था, 8√3 रहता तो हम लोग क्या बोलते, तब हम लोग इसको ऐसे करते, 30 को हम लोग ऐसे तोड़ देते, 30 को हम लोग लिखते कैसा, 10 × √3 × √3। समझ में आ गया, क्लियर है चीज, लॉजिक समझ में आ गया या फिर डाउट है, लॉजिक क्या समझ में आ गया या फिर डाउट है, जल्दी बता दो मेरे को। आई गेस लॉजिक लेके कोई डिस्टर्ब नहीं है या फिर प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 3√2x प्लस 30 इक्वल टू 0, आया समझ में। चलो भाई इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा एक्स प्लस 5√2 हो गया, ठीक है।
और इधर कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें थ्री रूट टू, सॉरी एक्स कॉमन ले नहीं पाएंगे, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, थ्री रूट टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, थ्री रूट टू कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा मेरा एक्स प्लस फाइव रूट टू आ जाएगा इधर। बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो थ्री रूट टू इंटू फाइव रूट टू करेंगे तभी ना जाके मेरे को थर्टी मिलेगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरा एक एक फैक्टर होगा एक्स प्लस फाइव रूट टू, एक होगा एक्स प्लस फाइव रूट टू, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा एक्स प्लस थ्री रूट टू, एक्स प्लस थ्री रूट टू। समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक माइनस फाइव बाई टू, और दूसरा एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, क्लियर है। तो बोलो ये नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, इतना कुछ स्टेप करना पड़ा, ये क्या है, पूरा बेसिक है। लेकिन इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में निपटाएंगे, कैसे निपटाएंगे, देखो अब इसके पीछे का लॉजिक देखो। हम लोग इसको क्या किए थे, हम लोग उसको कॉन्स्टेंट को रूट टू टर्म में डिवाइड कर दिए थे। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को रूट टू मतलब टू से भाग कर देते हैं, टू से भाग दे देंगे कॉन्स्टेंट को, रूट के अंदर जो नंबर होगा उस नंबर से कॉन्स्टेंट को भाग दे देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, जस्ट डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो आएगा, हाँ या ना, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है कि नहीं? अभी हमको पता है इसको इजी बना, इसको आठ बनाना बहुत इजी है, ठीक है। जब टू से भाग देंगे, देखो मैंने टू से मेरे को भाग देना दिया, मैंने टू से भाग दिया तो थर्टी को जब टू से भाग दिया कितना आ जाएगा मेरा, फिफ्टीन आएगा, मैंने थर्टी लिख दिया था गलती से, स्लो चल रहा है ये वाला। ये 15 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जब मैंने 2 से भाग दूंगा 30 को तो 15 होगा कि नहीं होगा। अरे 15 को आपको 8 बनाना इजी है, 3 और 5 से मेरा 8 बनता है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जाके 15 बनेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, पहले वाला प्लस होगा उसके बाद वाला 3 होगा, क्लियर है सभी को, राइट। अभी मैंने ये 15 से मेरे को 5 और 3 मिला था, मेरे पास नंबर क्या था 30 था, मतलब हम लोगों का दोनों जगह में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 से भाग दिया था, 2 से भाग देने का मतलब क्या है, दोनों जगह से रूट टू और रूट टू मैंने उठा लिया था। बेसिकली 2 से भाग देने का मतलब क्या है, ये जो रूट टू और ये रूट टू दोनों चीज को एक साथ उठा लिया, तो दोनों को एक साथ उठाएंगे उसके बाद फिर से डालना भी तो पड़ेगा दोनों को, तो कहाँ कहाँ डालेंगे, इधर में एक रूट टू डालेंगे, इधर में भी एक रूट टू डालेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, कोई है समझ में नहीं आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बता दो मेरे को, ये क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। फिर से मैं इस वाले इक्वेशन को भी करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या किया, रूट के अंदर कौन सा नंबर है, टू है, टू को मैंने कॉन्स्टेंट से भाग दे दिया, टू को जो कॉन्स्टेंट से भाग दे देंगे तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है। ट्वेल्व को कैसे सेवन बनाना है, चार और तीन से सेवन बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है सभी को। प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा मेरा माइनस प्लस, क्लियर है। मैंने 2 से भाग दिया था तो रूट टू से दोनों जगह मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तब जाके मेरा 2 मिलेगा। समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताओ जल्दी से क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है कि नहीं, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। इसको लेके क्या कोई डाउट है, कोई डाउट है? मैंने क्या किया, 2 से मैंने भाग दे दिया कांस्टेंट वाला टर्म को, ठीक है, रूट के अंदर जो नंबर होगा उससे हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। आई गेस सभी को क्लियर है, आई गेस सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो ऐसा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आप लोगों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो अच्छे से मेरा आई गेस आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और डाउट नहीं रहेगा, ओके, क्लियर है। अच्छा देखो और दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन रूट सेवन एक्स प्लस 84 इक्वल टू जीरो है, ठीक है। यह वाई स्क्वायर माइनस फाइव रूट ओवर फाइव वाई है प्लस 30 इक्वल टू जीरो है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो
हम लोग, मैंने क्या बोला था, जो नंबर रूट के अंदर रहेगा उस नंबर से हमको कॉन्स्टेंट वाला टर्म को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे 7 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या रहेगा, ये इक्वेशन आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यस और नो, हाँ या ना। अब ये 12 को 7 बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। तो मेरा एक्स का कोफिशियन क्या क्या आएगा, रूट क्या क्या आएगा, प्लस प्लस आ जाएगा इधर, 4 और 3 आएगा इधर, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो रूट सेवन, समझ में आया कि नहीं आया, राइट। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसके रूट में क्या नंबर है, 5 है, तो 5 से हम लोग कॉन्स्टेंट को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्लस प्लस हो जाएगा मेरा, तो 6 को 5 कैसे बनाएंगे, 3 और 2 से बनाएंगे, क्लियर है। रूट फाइव, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब कंपेयर करना शुरू करो, ऑब्वियसली 4√7 जो है 3 से बड़ा है, तो इसमें x बड़ा हो जाएगा। 4√7 जो है 2√5 से बड़ा है, इसमें फिर से x बड़ा हो जाएगा। 3√7 जो है 3√5 से बड़ा होगा, फिर से x बड़ा हो जाएगा। 3√7 जो है 2√5 से बड़ा है, तो फिर से वो x बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं पूरा चीज को मैंने बोल दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, चलो थम्स अप दे रहा है, क्लियर है, मतलब क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो चलो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। तो रूट बेस लेके को, रूट लेके कोई समस्या नहीं है, आई गेस सभी को क्लियर हो चुका है। तो हम लोग और डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस लेके हम लोग नेक्स्ट दिन हम लोग आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अभी भी बता सकते हो आप लोग, कोई भी डाउट है कि नहीं, नहीं होगा तो हम लोग अभी क्लास क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, मतलब सभी को क्लियर है, चलो बढ़िया है।